नमस्ते जी, कैसे हो आप? सब लोग ठीक हो? तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू के क्रिस्पी पोटैटो। तो देखते हो कैसे बनते हैं। अब इनको छिलती हूँ और फिर काटती हूँ। इनको मैं पतले पतले काट रही हूँ ताकि थोड़े से जल्दी उबल जाए। मोटा मोटा काटेंगे तो नहीं उबलेंगे। तो मैं इनको उबालती हूँ। थोड़े से पानी गर्म कर दिया मैंने और आलू काट के धो दिए। तो इनको थोड़ा सा उबालूँगी, थोड़े से कच्चे पक्के उब जाएंगे तो इनको फिर मिक्सी में पीसना है। तो मैं आलू चेक करती हूँ और आलू पके कि नहीं पके। तो हमारे आलू हो रखे हैं। आलू हमारे उबल गए हैं, देख रहे हैं ना, उबल गए अच्छी तरह से। तो अब हम इनको पीसते हैं मिक्सी में। थोड़ा थोड़ा इनको वैसे करना, ज़्यादा बारीक नहीं करने आलू, तो थोड़े से वैसे करने इनको। आलू डालती हूँ कटर में, तो इनको अब पीसेंगे। अब देखते हैं इसको पीस के। अब मैं इनको पीसती हूँ, देखो पीस रहे अच्छी तरह से कि नहीं पीस रहे पता नहीं। तो ये पीस गए और आप इसको मशीन में भी पीस सकते हो, मिक्सी में। मैंने इस कटर में पीसे हैं तो अच्छे से हो गए अभी। अब बनाते हैं बेसन। वो बेसन भी डाल सकते हो इसमें आप, मक्की का आटा भी। तो मैं इसमें मैदा डालती हूँ। तो काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो मैं ये मिर्च कूट के डालती हूँ इसमें। तो मैंने एक काली मिर्च डाली। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और थोड़ी लाल मिर्च डालिए आधा चम्मच। दो चम्मच डाल रही हूँ मैदा। तो अब हम इसको मिलाते हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चीज। तो चीज़ भी घिस दिया। अब थोड़ा इसको मिलाते हैं। चीज़ मिला के बहुत ही अच्छा बनेगा और स्वादिष्ट भी होगा।
सबको पसंद आएगा खाने में। आइए बनाते हैं इसको, तो अच्छे से बन रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। ये हो गए हमारे तैयार क्रिस्पी पोटैटो, और अब हम इनको तलते हैं, देखते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो तेल गर्म हो गया, अब ये तल रहे हैं और सही हो रहे हैं। एक बार के मैंने ये तल दिए हैं और दूसरी बार के मैंने ये डाल दिए हैं। अब ये पक रहे हैं तो ये खाने में भी अच्छे लगेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप लोग भी बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा फटाफट से, और बच्चों को नाश्ते के बदले देना। और तो ब्राउन होने लग गए और पकने वाले हैं, अभी भी अच्छे से हो गए। तो आप लोग भी बनाना। तो ये तल चुके हैं, अब इनको मैं निकालती हूँ। अच्छे से हो गए, तो हमारे क्रिस्पी पोटैटो तैयार हो गए हैं। और हरी चटनी रखी है साथ में, इसके साथ खाएं। और देखो मुलायम हो रखे एकदम अंदर से, और बाहर से करकरे हो रखे हैं, तो करारे हो रखे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग भी बनाना, और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।